छतरपुर के बागेश्वर धाम कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खुद को MBBS की छात्रा कहने वाली एक लड़की गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा कर रही है, जो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात भी करना चाहती है। इस MBBS छात्रा का नाम शिवरंजनी है। मीडिया पर दिए इंटरव्यू में शिवरंजनी का कहना है कि वो अपनी कामना को लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही है और कह रही है कि अपनी इच्छा बागेश्वर धाम सरकार से ही मिलने पर बताएंगी। वहीं जब मीडिया ने लड़की से शादी की चर्चा पर सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम सरकार सब जानते हैं, जो होगा समय आने पर बताया जाएगा। वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग शिवरंजनी की शादी बागेश्वर धाम से होने की कामना को लेकर गंगोत्री धाम की यात्रा को जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवरंजनी एक यूट्यूबर और भजन गायिका हैं। वो अपने आप को सेलिब्रिटी भी बता रही हैं। अभी हाल ही में यात्रा के दौरान वो इलाहाबाद एवं चित्रकूट में संतों के साथ देखी गई थी। वो जल्द ही बागेश्वर धाम पहुंचने वाली। इस यात्रा को सुनकर बागेश्वर धाम के शुभ चिंतकों को, उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार है कि क्या 16 जून को शिवरंजनी तिवारी के धाम पहुंचने पर बागेश्वर महाराज की शादी पर से पर्दा उठ जाएगा या फिर सस्पेंस बरकरार रहेगा। जैसा कि पहले प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी से शादी का सस्पेंस चल रहा था। शिवरंजनी ने खैरागढ़ से 8 साल तक संगीत की शिक्षा हासिल की है। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं। उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ सुनकर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं। इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।